करवा चौथ पर सुहागिन न करे ये गलती, सुहाग की थाली कैसे करे तैयार जाने। करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर को रखा जाएगा। इस दिन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इसके साथ ही पूजा की थाली को किस प्रकार सजानी चाहिए, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। उससे पहले मैं सीमा राठौड़ आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सीमा राठौड़ में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह की वीडियो की जानकारी मिलती रहे। साल 2023 में करवा चौथ 1 नवंबर 2023 के दिन पड़ रहा है। इस दिन बुधवार रहेगा। करवा चौथ का पर्व कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूरा दिन व्रत रखती है और रात में चांद निकलने के बाद अपना व्रत खोलती है। करवा चौथ के दिन हमें कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन नियमों का पालन न करने से अशुभ फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कौन सी है वो महत्वपूर्ण बातें करवा चौथ में रखे इन बातों का ख्याल। करवा चौथ के दिन महिलाओं को सफ़ेद और काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि करवा चौथ के दिन इस रंग के कपड़े पहनना अशुभ होता है। करवा चौथ के दिन कोशिश करें लाल और गुलाबी रंग के वस्त्र पहने क्योंकि ये रंग सुहाग का प्रतीक है। करवा चौथ के दिन महिलाओं को तेज धार वाली चीज़ों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, जैसे सुई, चाकू आदि। करवा चौथ के दिन कटना और चोट लगना अशुभ होता है, इसलिए भूलकर भी नुकीली व तेज धार वाली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। करवा चौथ के दिन बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए, बड़ों के साथ बहस व लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। बड़ों को कोई भी अपशब्द अर्थात बुरे शब्द नहीं बोलने चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। करवा चौथ के दिन अच्छे से 16 श्रृंगार करें। इस दिन सजना संवरना शुभता का प्रतीक माना जाता है। भूलकर भी करवा चौथ के दिन श्रृंगार का सामान दान न करें, इस दिन श्रृंगार का दान करना अशुभ होता है, इसलिए ऐसा करने से बचना चाहिए। कैसे सजाएं करवा चौथ की थाली। करवा चौथ की थाली करवा चौथ की पूजा में एक प्रमुख सामग्री होती है। हर सुहागिन महिलाएं इसको बड़े ही चाव से खरीदती है और इसको सजाती है। करवा चौथ की थाली में क्या क्या होना चाहिए आइए जानते हैं। नंबर 1, करवा चौथ की थाली में एक आटे से बना दीपक होना चाहिए और उस दीपक में रुई की बाती का होना जरूरी है। नंबर 2, मिट्टी का करवा पूजा की थाली में होना चाहिए। नंबर 3, एक जल का कलश होना बहुत जरूरी है जिससे आप चंद्रमा को अर्घ्य देंगे। नंबर 4, छलनी का होना भी बहुत जरूरी है जिससे आप चांद के दर्शन करेंगे। नंबर 5, पानी का गिलास पूजा की थाली में होना बहुत जरूरी है। जिस लोटे से आप चंद्रमा को अर्घ्य देंगे उस लोटे से पानी न पिए बल्कि पानी गिलास से पिए। नंबर 6, फूल, चावल, मिठाई, घी, रोली, कुमकुम इन सभी चीज़ों का होना करवा चौथ की थाल में बहुत जरूरी है। चंद्रदेव के दर्शन के बाद उनकी सबसे पहले पूजा करें, उनको रोली, कुमकुम, अक्षत चढ़ाएं, उनकी आरती उतारें, मिठाई का भोग लगाएं, उसके बाद अपने पति की पूजा करें। आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।